उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों व विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहेंगे। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राजकीय विमान से आएंगे, तो वहीं मंत्री व विधायक लखनऊ से 10 लग्जरी बसों से अयोध्या पहुंच रहे हैं। बता दें, सभी अतिथि हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सदन में विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इस बीच अयोध्या पहुंचे मंत्री व विधायक ने अयोध्या पहुंचने पर खुशी जाहिर की है और साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा है। आप भी सुनिए। अद्भुत दृश्य है और देख रहे हैं कि सभी माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और सभी लोग के मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु राम लला के दर्शन हम लोग समवेत करें। आपने सब कुछ कन्वेंस कर लिया, बसपा भी आ गई, सभी जा रहे हैं, सभी नहीं ला पाया। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु राम लला से हमेशा द्वेष भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे हम सब? भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है। गर्व की अनुभूति हो रही है, आंतरिक सुख मिल रहा है। जिस मंदिर के निर्माण के लिए हम लोगों ने बरसों संघर्ष किया, हमारे तमाम साथी शहीद हो गए, उसके उपरांत आज मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जहां रामलला पैदा हुए, वहां की सरकार के माध्यम से हम लोग सरकार के प्रतिनिधि बन के बड़े सरकार के दरबार में जाके उनको मत्था टेकेंगे। ये बहुत जीवन का एक सुखद क्षण है, अद्भुत क्षण है, विलक्षण क्षण है। क्या लगता है विपक्ष के नेता आएंगे सब? हमने तो उनसे अनुरोध किया है, अब ये उनका विवेक है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं सदन में कि राम काल्पनिक हैं, राम ये है, तो उस क्या उनकी बुद्धि को कहा जाए। राम किसी दल विशेष की राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी देश की अस्मिता और संस्कृति के प्रतीक है। आरएलडी के विधायक यहाँ पे आए हैं सपा का साथ छोड़ के, तो क्या लगता है सपा को आना चाहिए, दर्शन के लिए जाना चाहिए? अब उन्हें देखना चाहिए उनके सहयोगियों को, अगर सद्बुद्धि आ गई तो उन्हें भी सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। अपना परिचय। मैं सलील बिश्नोई हूँ, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, पहले 3 बार विधायक रह चुका हूँ, वर्तमान समय में विधान परिषद का सदस्य हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से बाल्यकाल से ही जुड़ा हूँ। जिस समय देश में आजादी के बाद 1984 में श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब से मैं रहा। और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मुझे 3 बार जेल में भी रहने का अवसर मिला, तो मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है, मेरे लिए समर्पण का क्षण है, मेरे लिए श्रद्धा का क्षण है। आज आपकी मेरे लिए व्यक्तिगत भी एक भावपूर्ण क्षण है, जिसमें मैं स्वयं और आज उस प्रभु की कृपा से उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों को मैं अयोध्या के दर्शन कराने ले जा रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत गौरव का। सर, आपने सबको बुलाया, अखिलेश यादव नहीं आए कल, उन्होंने सदन में बात। देखिए, ये तो श्रद्धा की बात है। देखिए, भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। विभिन्न कारणों से कोई नहीं आया उसका विषय है। कल नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये बात कही थी कि अध्यक्ष जी, आपके बुलाने पे भी नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने उनको कहा कि जब आप अयोध्या चलेंगे तो मुझे ले चलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आपने आज साफा पहना हुआ है, कुछ विशेष? मैंने आपको बताया कि मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत और भावुक का क्षण है, मेरे लिए व्यक्तिगत श्रद्धा का क्षण है। तो भगवान के दरबार में जाकर उसके सामने सिर झुकाकर ये अवसर मिले। ये मैं विधायकों ने आपको पत्र लिखा था कि हम जाना चाहते हैं। सपा के 14 विधायकों को छोड़कर जब मैंने गिनती गिनी थी हाउस के अंतर्गत, सारा मीडिया भी मौजूद था, सब यूट्यूब पर भी है, टीवी पर लाइव है, 14 विधायक को छोड़कर बाकी सब जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय उनको मानना चाहिए, जाना ना जाना उनका अधिकार। बसपा पार्टी के इकलौते विधायक वो भी आपके साथ जा रहे हैं? सब जा रहे हैं, बसपा जा रही है, कांग्रेस जा रही है, राजा भैया जा रहे हैं, निषाद पार्टी जा रही है, अपना दल जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं। सपा के भी कुछ विधायक रहेंगे जो आए उनका स्वागत है। बैठेंगे नहीं यार, मैम बैठे, मैम मेहमान है, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। भगवान रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं जी? क्या कहा आपने? भगवान रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कितना सौभाग्यशाली जी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन से बचपन से जुड़ा हूँ।
देश की आजादी के बाद 1984 में जिस समय श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन प्रारंभ हुआ, एकात्मता यात्रा निकली थी, हम लोगों ने पहला नारा लगाया था हर हर बम बम ताला तोड़ के लेंगे, दम दम ताला लगा हुआ था। तो उसके बाद श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंग दल का कार्यकर्ता होने के नाते कई बार आंदोलनों में अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में मेरे पिताजी रासुका में बंद थे और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में मुझे भी 3 बार जेल में रहने का आज के अवसर पर कहता हूं कि सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज मेरे लिए व्यक्तिगत भावुक क्षण है, व्यक्तिगत श्रद्धा का क्षण है, व्यक्तिगत समर्पण का क्षण है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूं और भावुक हूं और आत्मविभोर हूं, और इस अवसर को भगवान ने इस रूप में दिया कि मैं सारे विधायकों के साथ जा चुकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या लगता है विपक्ष आएगा सर? जिसने आना है आएगा। देखिए, ये श्रद्धा की बातें, ये धार्मिक बातें किसी के ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती, लेकिन जिस समय विधानसभा में मैंने हाथ उठवाया था तो केवल 14 विधायकों ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, बाकी सब जाने के लिए तैयार थे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से पूरे विश्व ने देखा, देश ने देखा है, और उसको आज हम साक्षात वहां पर पहुंचकर हम सभी लोग, जितने भी हमारे मंत्री परिषद के और विधायक हैं, सभी लोग जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी विधायकगण सभी पहुंचेंगे वहां पर और प्रभु श्री राम के वहां पर भव्य राम मंदिर का दर्शन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी ही एक कहना चाहिए एक ऐसा अवसर है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। परिवार के साथ दर्शन दीजिए जा रहे हैं? हाँ, परिवार के साथ में, हमारी मिसेस भी जा रही हैं साथ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे 22 को भी जाने का मौका मिला था और इतने कम समय में रामलला ने मुझे दूसरी बार बुलाया है, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। कुछ विधायकों ने जाने से इनकार किया समाजवादी पार्टी के, तो उनके बारे में? आई थिंक ये धर्म और आस्था का मामला है, इट इज अबव पेटी पॉलिटिक्स, और डेफिनेटली उनको जाना चाहिए था। आप बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, और आप खुद ऐसी चीज को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। आई थिंक उनको आना चाहिए था, बट उनका अपना विषय है। आज हम लोगों के लिए वास्तव में एक अद्भुत दिन है जब हम एक साथ सभी माननीय विधायक, सभी माननीय मंत्रीगण और इस पूरे काफिला का नेतृत्व हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे सभी सीनियर लीडर, सब लोग जब सामूहिक रूप से भगवान के चरणों में हम लोगों का पहुंचना होगा, जब उनका दर्शन होगा, तो वास्तव में ये एक ऐतिहासिक दिन है। और आज के बाद मुझे लगता है कि पूरे देश के विधायक अयोध्या जी की तरफ कूच करेंगे, और एक अद्भुत है, एक मैं समझता हूं कि श्रद्धा और भक्ति का जो सामूहिक भाव है हम लोगों के मन में, बहुत दिन से सभी माननीय विधायक गण इस बात के लिए काफी उत्साहित थे कि हमारा नंबर कब आएगा, हम लोग कब चलेंगे, तो आज वो दिन आया है। क्या लगता है सर, विपक्ष को भी आना चाहिए, साथ में जाना चाहिए दर्शन के लिए? नहीं, माननीय अध्यक्ष जी ने तो बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किया, अब उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये थोड़ी, मैं समझता हूँ कि आज कोई कड़ी बात कहना उचित नहीं है, लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता का द्योतक नहीं है तो और क्या है। आप भगवान के काम में भी राजनीति खोज रहे हैं तो आपका दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर और अच्छा संदेश जाता जब सभी विधायक, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी विधायक जब एक साथ जाते तो उसका अलग संदेश जाता, उसका अलग महत्व रहता है, लेकिन कोई सकारात्मक अच्छी चीज तो अच्छी लगती नहीं लोगों को, तो करें क्या इसका। सर, कांग्रेस के आचार प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, क्या लगता है सर, भाजपा से जो नजदीकियां उनकी बढ़ रही थी उसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई उन पर? देखिए, कांग्रेस का जो घमंड है, उसकी जो चिढ़ है मोदी जी से, एक छोटे वर्ग का आदमी कैसे आज देश को चला के और भारत की गरिमा को पूरी दुनिया में स्थापित कर रहा है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इतना चिढ़े हुए हैं कि भाजपा का कोई नाम ले ले तो उनको निकाल दें, तो इस तरह की मानसिकता है। आखिर तो उसका परिणाम तो उनको मिल ही रहा है, आखिर कहां पहुंच गई कांग्रेस, आप समझिए ना। उनकी न्याय यात्रा जहां जहां जा रही है उनके साथ ही साथ छोड़ रहे हैं, तो ये उनके कर्मों का फल है ये, और अभी भी सीखने को तैयार नहीं है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं,
सदियों के इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिला है और हम इसमें आज वहां जाकर रामलला का दर्शन करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।